व्हाट्स अप लवली पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष, और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मोटर रिडिफाइंड। तो दोस्तों, आज हम लोग जिस बाइक का रिव्यू करने वाले हैं वो है सुजुकी जिक्सर SF 250 60 ईयर्स का स्पेशल एडिशन, जिसमें हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि इसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो क्या क्या है। एक मायने में बता सकते हैं कि एक क्विक वॉक अराउंड, और उसके बाद हम लोग देखेंगे इसकी जो डायनेमिक परफॉर्मेंस है इस गाड़ी की वो कैसी है। और शुरू करने से पहले दोस्तों, अ वेरी स्पेशल थैंक्स टू आलो सुजुकी फॉर प्रोवाइडिंग अस दिस ब्यूटीफुल बाइक फॉर रिव्यू। तो चलिए रिव्यू शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इसके वॉक अराउंड से और चलते हैं इसके फ्रंट सेक्शन पे। और फ्रेंड्स, फ्रंट में आपको 110/70 के टायर्स मिलते हैं, जो कि MRF रेव्स की तरफ से यहाँ पर दिया गया है। और जहाँ तक इसकी ब्रेकिंग सिस्टम की बात है, ब्रेकिंग आपको डुअल चैनल ABS दिया जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो रिंग है ABS का, वो दिया गया है। और इसके साथ ही बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर एक बाइबर की कैलिपर भी दी गई है बाई ब्रेम्बो। और यहाँ पर जो फ्रंट सस्पेंशन है, आपको टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन मिलता है विथ ऑयल सील। और चलिए फ्रेंड्स, आप इसका रियर सेक्शन देख लेते हैं। और फ्रेंड्स, रियर सेक्शन में भी हम लोग जो देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो टायर दी गई है वो MRF रेव्स की ही टायर है। यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर ये मेंशनड है। और इसके साथ साथ ये जो रिम दी गई है, जैसे सामने है 17 इंचेस की रिम, वैसे ही पीछे भी 17 इंचेस की सेम रिम यहाँ पर दी गई है। और इसके साथ साथ ब्रेकिंग सिस्टम आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, बहुत ही सुंदर चमकती हुई एक डिस्क। और उसके साथ साथ ये एक फिक्स कैलिपर दिया गया, जो अगेन इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ बाई ब्रेम्बो। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, क्योंकि ये हाइड्रोलिक ब्रेकिंग है, तो इसका एक जो ऑयल कंटेनर है वो यहाँ पर दिया गया है। और चलिए फ्रेंड्स, अब एकदम इसके पीछे देख लेते हैं क्या है। और आप जैसे ही रियर में आते हैं, यहाँ पर आपको दिखेगा टायर हगर। टायर हगर होता यह है दोस्तों कि जब आपकी गाड़ी पानी में चलती है, कीचड़ में चलती है, तो उछलता है जब पानी या कीचड़, तो आपकी बाइक गंदी नहीं होती है। और इसके साथ साथ ये एक टेल टाइडी है यहाँ पर, जिसमें आप लोग ये देख पा रहे हैं कि ये इंडिकेटर दी गई है। इंडिकेटर एक बल्ब इंडिकेटर है। मेरे ख्याल से अगर इस प्राइस पॉइंट पे, क्योंकि सुजुकी ने सब कुछ प्रीमियम कर दिया है, तो अगर ये LED होता तो इसमें चार चांद और लग जाते, लेकिन ठीक है, ये भी बहुत ही खूबसूरत लग रही है देखने में। और इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसके जो रियर सेक्शन में इसकी जो टेल लाइट है, बहुत ही खूबसूरत। और ग्रैब रेल दोस्तों, एक ग्रैब रेल देखने में बहुत ही खूबसूरत है, मतलब जो कलर यहाँ पर दी गई है बहुत ही खूबसूरत कलर है। और चलिए फ्रेंड्स, अब इसका जो लेफ्ट प्रोफाइल है वो देख लेते हैं। लेफ्ट प्रोफाइल में फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको आप काइंड ऑफ साड़ी गार्ड बोल सकते हैं। बहुत ही एक मैट ब्लैक फिनिश में एक साड़ी गार्ड दी गई है। और जो मैं भूल रहा था, जब हम लोग टायर सेक्शन के बारे में बात कर रहे थे, तो यहाँ पर एक ये जो नियॉन कलर दिया गया है टायर में, ये इस गाड़ी की जो पूरी कलर कम्बिनेशन है, कलर कम्बिनेशन को बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट में ला रही है। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है देखने में। और ये साड़ी गार्ड के साथ यहाँ पर आप लोग ये भी देख पा रहे हैं कि जो चेन है, चेन ओपन है, मतलब आपको 200 से 250 या फिर मान के चलिए 200 से 300 किलोमीटर की रेंज पे आपको अपनी जो चेन है उसको क्लीन और ल्यूब करना होगा, क्योंकि ओपन चेन सिस्टम दी गई है यहाँ पर। भले ही देखने में खूबसूरत है, लेकिन आपको मेहनत ज़रूर करनी होगी। और यहाँ पर फुटरेस्ट दिया गया है पिलियन राइडर के लिए, पिलियन के लिए यहाँ पर फुटरेस्ट। और सामने जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पर एक फुटरेस्ट दी गई है जो कि राइडर के लिए है। फ्रेंड्स, ये 6-speed गियर बॉक्स है, 1 down है और 5 up है। और आगे देख लेंगे हम लोग राइड रिव्यू में कि इसकी जो गियर टाइट है या फिर सॉफ्ट है, मीडियम है, वो हम लोग राइडिंग करते टाइम देख लेंगे। और इसकी जो पूरी जो फेयरिंग है दोस्तों, पूरी जो फेयरिंग है, मतलब लाजवाब, मतलब इस कलर कम्बिनेशन के साथ, मतलब मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा खूबसूरत, मतलब प्रेजेंस की मैं बात करना चाह रहा हूँ, प्रेजेंस इस गाड़ी की बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और फ्रेंड्स, ये जो इंडिकेटर है, ये भी बल्ब इंडिकेटर दी गई है। और उसके साथ साथ हम लोग इसकी जो फ्रंट लाइट है, मेन हेडलाइट, वो भी एक बार देख लेते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ज़्यादा बढ़िया, मतलब इसकी जो पूरी आप देख सकते हैं, ये जो पूरा कलर कॉम्बिनेशन के साथ ये जो लाइट का थ्रू है, बहुत बढ़िया है। मतलब आशा करता हूँ, मैंने इसको राइड रात के टाइम पे राइड तो किया नहीं है, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से इसका लाइट थ्रू है, इससे पता लगाया जा सकता है कि जो रात की फ्लो होगी राइड की, वो भी बहुत बढ़िया होगी।
और फ्रेंड इसके साथ साथ ये जो वाइज़र दी गई है ये मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा आपको विंड ब्लास्ट से नहीं बचाएगी, लेकिन फिर भी दी गई है तो काम ज़रूर करेगी। अगर अगर आप इसको चेंज कराना चाहते हैं तो ये आप चेंज करा सकते हैं, आफ्टर मार्केट भी आप जा सकते हैं। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये लुकिंग ग्लासेस दी गई है बहुत ही बढ़िया लग रही है देखने में। और मैं एक चीज़ में हैरान हो रहा हूँ कि ये पूरी तरीके से यहाँ पर मुड़ रहा है, मतलब ऐसा नहीं होता है खासकर, लेकिन इस गाड़ी में हो रही है। और फ्रेंड्स मैं जब इसको राइड करते हुए आ रहा था तो जब मैं इसका रियर व्यू ले रहा था तो बहुत ही बढ़िया लाइट, मतलब बहुत ही बढ़िया इसकी जो व्यू है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी चलाते वक्त अपना हाथ ही देख पा रहे हैं मिरर में, ऐसा नहीं है, बहुत ही बढ़िया इसकी व्यू है। और डिज़ाइन दोस्तों, मतलब कोई भी कस्टमर जब कोई गाड़ी ख़रीदता है तो वो सबसे पहले डिज़ाइन देखता है। ठीक है स्पेसिफिकेशंस भी मैटर करता है, बट डिज़ाइन बहुत ही बढ़िया है, मतलब डिज़ाइन अट्रैक्ट करता है कस्टमर को। और सुजुकी पूरी तरीके से अपने डिज़ाइन पर काम करती है। और इसके बाद इसकी खासियत और एक भी है, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर आपका मिरर ना हो के आपको मिरर यहाँ पर हैंडल पे, तो वो भी आप लगा सकते हैं, मतलब ये एक एडेड स्पेसिफिकेशन है। और टैंक दोस्तों, सुजुकी बता रही है कि इसका जो टैंक है वो 12 लीटर की टैंक है। और उसके साथ साथ यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर आप ऑयल रिफिल कराना चाहते हैं तो इसका भी एक बहुत ही खूबसूरत सिस्टम यहाँ पर दिया गया है। और सीट दोस्तों, जहाँ तक कि मेरा एक्सपीरियंस है, मतलब थोड़ा सीट जो है हार्डर साइड पे है, मतलब बहुत ज़्यादा कुशनी नहीं है, दो बहुत ही सुंदर है, मतलब डिज़ाइन स्प्लिट सीट देख पा रहे हैं आप, स्प्लिट सीट है, लेकिन सीट अगर सीट की बात करें तो इज़ अ बिट ऑन हार्डर साइड। और इसके साथ साथ दोस्तों जब हम लोग एग्जॉस्ट भूल रहे थे तो एग्जॉस्ट की एक बार जो नोट है वो भी सुन लेते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे डुअल बैरल एग्जॉस्ट दी गई है, एक यहाँ पर एक सिल्वर फिनिश के साथ चमकती हुई, बहुत ही बढ़िया लग रही है देखने में। ठीक, इसके ऊपर राइडर की फुटरेस्ट है, यहाँ पर आपका पिलियन फुटरेस्ट है और यहाँ पर आपका मेन राइडर का फुटरेस्ट दिया गया, और यहाँ पर ब्रेक पेडल दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका आपको एक बार इसका जो एग्जॉस्ट नोट है वो एक बार सुना देते हैं। और फ्रेंड्स इस गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए आपको हमेशा क्लच पहले दबानी होगी, विदाउट प्रेसिंग द क्लच यू कैन नॉट स्टार्ट द बाइक। सो चलिए फ्रेंड्स, इसका जो हैंडल है वो भी एक बार देख लेते हैं। हैंडल बार बहुत ही खूबसूरत सा क्लिप ऑन हैंडल बार दिया गया है यहाँ पर। क्लिप ऑन का मतलब है कि जब आप बैठते हैं इस गाड़ी पे तो आपका पोजीशन सेमी अग्रेसिव होगा, जैसे कि R15 हम लोग सब जानते हैं, R15 बहुत ही ज़्यादा कमिटेड है, या फिर आप RC 200 बता लीजिए, या फिर KTM की जो RC सीरीज़ है वो बता लीजिए। तो उसमें आप लोग देखते हैं कि जो राइडर है बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव पोजीशन में बैठता है, लेकिन यहाँ पर जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है इस गाड़ी के साथ, तो जो राइडर्स पोजीशन है वो सेमी एग्रेसिव है, हल्का आपका फुट पीछे की तरफ जाता है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा अगर आप लॉन्ग राइड पे जाना चाह रहे हैं। और क्लिप ऑन हैंडल बार लेफ्ट साइड में अगर देखें तो यहाँ पर आपको एक पास स्विच दिख रहा है, और इसके साथ साथ यहाँ पर हाई बीम का लाइट जो है उसका भी यहाँ पर एक स्विच गियर दिया गया। और दोस्तों स्विच गियर मतलब फिट एंड फिनिश बहुत बढ़िया, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फिट एंड फिनिश है, मतलब कोई बात नहीं होगी, आप लोग देखिए इसका जो कोई भी यहाँ पर फिनिश जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर, मतलब ये कह लीजिए, मतलब कोई भी अगर आप यहाँ पर भी देखते हैं, मतलब कहीं पर भी कोई आपको चीज़ अधूरी नहीं दिखेगी, बहुत ही खूबसूरत इसकी फिट एंड फिनिश है। और यहाँ पर फ्रंट की जो हेडलाइट है, मेन हेडलाइट उसका हाई बीम का लाइट है, ये हाई बीम का स्विच है, और ये आपका ऑफ हो गया। और यहाँ पर आपकी जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर स्विच यहाँ पर दिया गया है, और ठीक इंडिकेटर स्विच के नीचे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं हॉर्न। तो चलिए फ्रेंड्स एक बार हॉर्न इसका सुन लेते हैं, प्रीटी लाउड खूबसूरत हॉर्न है। मेरे ख्याल से अगर एरिया बहुत ज़्यादा क्राउडेड होगा तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा हॉर्न के साथ। और इसके साथ साथ यहाँ पर हम लोग हैंडल बार की जब बात कर रहे हैं तो एक बार पूरी तरीके से हैंडल देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप हैंडल का राइट साइड पे आते हैं तो राइट साइड में आपको एक इंजन किल स्विच मिलेगा, बहुत ही बढ़िया किल स्विच। और इसके ठीक नीचे जैसे कि हर गाड़ी में आप लोग देखते हैं आपका इंजन स्टार्ट करने के लिए बटन है यहाँ पर, इंजन स्टार्ट का बटन। और अब चलिए फ्रेंड्स एक बार इसका जो डिजिटल कंसोल है वो देख लेते हैं, एक बार मैं स्विच ऑफ करके ऑन करना चाहूँगा ताकि आप लोग इसका जो जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो कैसे होती है वो भी एक बार देख लेंगे आप लोग। देखिए जो एक बार पूरी तरीके से स्वाइप मारती है, क्योंकि ये नेगेटिव डिस्प्ले है तो आप लोगों को देखने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ये पहले गो लिख के आता है। यहाँ पर ये स्पीडो है, ये आपका टैकोमीटर है, गियर पोजिशन सेंसर यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आपका ट्रिप
ए ट्रिप बी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आपका ओडो दिया गया है, गाड़ी कितनी ट्रैवल कर चुकी है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपका फ्यूल कितना है गाड़ी में वो भी दिखाया जा रहा है, और यहाँ पर जो है आपका लिमिटर दिया गया है, और यहाँ पर आप प्रेस करके आप ये जो ट्रिप है ट्रिप चेंज कर सकते हैं, ट्रिप ए या फिर ट्रिप बी में आप चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसका एक बार इंजन स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं। इंजन जो सुजुकी ने यहाँ पर प्रोड्यूस किया है वो है 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर 249 cc फ्यूल इंजेक्टेड SOCS इंजन। SOCS का मतलब है दोस्तों सुजुकी ऑयल कूलिंग सिस्टम, जो शायद मार्केट में और जितनी भी लिक्विड कूलिंग सिस्टम है उससे बढ़िया है। और इसी के साथ साथ दोस्तों जो पावर प्रोड्यूस करती है गाड़ी वो है 26.1 BHP ब्रेकहॉर्स पावर एट 9,300 RPM, और साथ ही में टॉर्क जो प्रोड्यूस करती है गाड़ी वो है 22.2 Nm का 7,300 RPM में। और दोस्तों गाड़ी 161 kg की है, मतलब इट्स अ बिट ऑन लाइटर साइड, मतलब अगर आप डोमिना 250 अगर आप उससे इसको कंपेयर करते हैं तो यू विल फील दैट इट्स अ बिट ऑन लाइटर साइड। और उसके साथ ही दोस्तों अब इसकी जो ओवरऑल हाइट वेट है वो भी एक बार जान लेते हैं। गाड़ी की जो वेट है वो 161 किलो है, ओवरऑल हाइट जो गाड़ी की बनेगी दोस्तों है वो है 1,035 mm, ओवरऑल लेंथ जो बनेगी गाड़ी की वो है 2,010 mm, और ओवरऑल विथ जो गाड़ी की बनेगी मतलब सामने से अगर आप देखते हैं तो गाड़ी की चौड़ाई जो बनेगी वो है 740 mm का। उसके साथ साथ अगर आप व्हील बेस देखेंगे वो आपकी बनती है 1,345 mm का। और ग्राउंड क्लियरेंस दोस्तों, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही बढ़िया गाड़ी में दी गई है, ग्राउंड क्लियरेंस दी गई है 165 mm का, जो मेरे ख्याल से इंडियन रोड्स के लिए काफ़ी है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जो सीट हाइट दी गई है वो 800 mm की दी गई है, मतलब अगर आप 5'6" तक की अगर आपकी हाइट है तो मेरे ख्याल से आपको कोई इशू नहीं होगी इसमें। और इसी के साथ साथ दोस्तों हम लोग जो वॉक अराउंड है वो ख़त्म करते हैं, और इसके बाद हम लोग चलते हैं इसके एक राइड रिव्यू पे, जिसपे मैं आपको बताऊंगा कि गाड़ी की जो डायनेमिक परफॉर्मेंस है वो कैसी है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं राइड रिव्यू पे। और चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं कि बाइक का डायनेमिक परफॉर्मेंस कैसा है, शुरू करते हैं। ओहो पिकअप एट सेकेंड गियर, खतरनाक। और जहाँ तक थ्रॉटल रिस्पांस की बात है, बढ़िया बाइक, कोई बात नहीं होगी थ्रॉटल रिस्पांस के बारे में। और एक बात मैं जिक्र करना चाहूँगा, आप जब भी इस गाड़ी में थ्रॉटल खोलते हैं, मतलब जब भी आप अपना क्लच छोड़ते हैं तो बी केयरफुल, मतलब अगर आप हल्के से क्लच छोड़ के अगर आप बाइक को रेस नहीं देते हैं, अगर आप बाइक को रेस नहीं करते हैं तो गाड़ी तभी की तभी बंद हो जाएगी। आप चाहे कोई भी गियर में हो, आपको फर्स्ट गियर से ही आपको महसूस होगा कि गाड़ी में बहुत बढ़िया पिकअप है। जब भी आप गाड़ी चलाते हैं तो वेयर हेलमेट, विदाउट हेलमेट नेवर ट्राई टू राइड। क्लच की अगर बात करें तो जहां तक मैं फील कर पा रहा हूं कि क्लच इज ऑन मीडियम साइड, और क्लच की अगर बात हो रही है तो विदाउट गियर की तो बात नहीं हो सकती। गियर इज ऑन अ काइंड ऑफ ऑन हार्डर साइड, मतलब आप फील करेंगे कि गियर जब आप अप डाउन कर रहे हैं तो आपको गियर हार्ड फील होगी थोड़ी। अगर वो बात अलग है कि अगर आप इसको चला रहे हैं, अगर आपको प्रैक्टिस हो चुकी है, मतलब अगर आपकी इस बाइक का आदि बन चुके हैं तो शायद आपको वो हार्ड फील नहीं होगा। लेकिन अगर आप इनिशियल, मतलब मान के चलिए अगर आप यामाहा की R15 से अगर आप इस पर अपग्रेड कर रहे हैं या फिर FZ से अपग्रेड कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली ये क्लच थोड़ी मीडियम साइड और गियर आपको थोड़ी हार्डर साइड पर फील होगी। ऐसे इसका टर्निंग रेडियस टेस्ट हो जाएगा छोटी सी रोड पे। जी हाँ दोस्तों देखिए बढ़िया। और दोस्तों इसका जो लुकिंग ग्लास है वो काफ़ी दूर है, जैसे आप देख पा रहे हैं मेरा हाथ यहाँ तक अभी नहीं पहुँच रहा है, ये काफ़ी दूर है, मतलब एक बड़ी सी बाइक आपको फील होगी। अब तो वक्त आ गया है इसका ब्रेकिंग टेस्ट करने का। अब मैं गाड़ी को अराउंड 50 की स्पीड पे लूँगा और फिर ब्रेक टेस्ट करूँगा, क्योंकि मेरे ख्याल से 50 का स्पीड इज ओके। गियर की ब्रेक टेस्ट करूँगा, डिसेंट ब्रेक मुझे ये चीज़ मुझे अभी फील हुआ कि ये जो ABS है पीछे है वो इंट्रूड कर रही है। अगर आप हार्ड ब्रेकिंग कर रहे हैं तो ABS इंट्रूड हो रहा है। और अब वक्त आ गया है सामने का जो ब्रेक है उसको टेस्ट करने का। मैं अराउंड 50 के स्पीड पे ही लूंगा। दोस्तों बढ़िया ब्रेक, सामने का ब्रेक बढ़िया। सस्पेंशन की अगर बात करें दोस्तों, सस्पेंशन मुझे लग रहा है कि फ्रंट थोड़ी लाइट है, लेकिन पीछे का जो सस्पेंशन है, क्योंकि दिस इज अ मोनोशॉक सस्पेंशन एट द बैक, तो पीछे की जो सस्पेंशन है
वो थोड़ी हार्ड है। और फ्रेंड्स जहाँ तक वाइब्रेशन की बात है, गाड़ी में वाइब्रेशन मेरे ख्याल से बहुत कम है। ये दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये राइड रिव्यू पसंद आया होगा। फ्रेंड्स आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, जिसमें मैंने बताने की कोशिश की है सुजुकी जिक्सर 250SF जो 60 ईयर्स की स्पेशल एडिशन है विद स्पेशल कलर्स विच इज़ एप्लीकेबल ऑनली ऑन 250cc जो 150cc आपको नहीं मिलती है। और इस बाइक के बारे में मैंने आपको एक छोटा सा वॉक अराउंड दिया है, और इसके साथ साथ ही आप लोगों को मैंने ये भी बताया है कि राइड करते वक्त आपको कैसा एक्सपीरियंस होने वाला है गाड़ी के साथ। अगर आपको ये रिव्यू इन्फॉर्मेटिव लगा है, अगर आप मानते हैं कि आप अगर ये गाड़ी खरीद रहे हैं तो आपको ये रिव्यू थोड़ी हेल्प की होगी, तो फ्रेंड्स एक तो बनता है ना, मतलब लाइक में कुछ नहीं आता यार, एक लाइक कर दीजिएगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप लाइक कर ही रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, मतलब क्योंकि मैं आप लोगों से इसलिए कह रहा हूँ सब्सक्राइब करने को, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरीके की वीडियो आप लोगों के लिए मैं और लाता रहूँगा। और सब्सक्राइब अगर आप कर ही रहे हैं तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। और मैं चाहता हूँ कि हमारी ये जो फैमिली है आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े, हमारी फैमिली और बड़ी हो, तो उसके लिए आप लोगों को छोटी सी हेल्प और करनी होगी, आप लोगों को ये वीडियो शेयर भी करना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए राइड सेफ एंड जय हिंद।